विवादों में कुतुब मीनार, मंदिर बनाने की उठी मांग, कोर्ट में दाखिल याचिका, सुनवाई 6 मार्च को। भारत में ऐतिहासिक इमारतों पर विवादों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी बाबरी ताजमहल तो अब इन विवादों का सिलसिला दिल्ली तक पहुंच गया है। मस्जिद विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने 2 दशक से भी ज्यादा समय में निपटाया था, लेकिन वहीं अब दूसरी तरफ मंदिर मस्जिद की ये लड़ाई अयोध्या से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच चुकी है। यहाँ की कुतुब मीनार परिसर में बनी एक प्राचीन मस्जिद को मंदिरों को तोड़कर बनाने का दावा किया जा रहा है। 27 मंदिरों को तोड़कर बनी मस्जिद। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में बनी मस्जिद को लेकर साकेत कोर्ट में कहा गया है कि कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वत उल मस्जिद को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में भगवान गणेश, विष्णु, यक्ष यक्षिणी, द्वारपाल और महावीर के चित्र बने हुए हैं। साथ ही कॉम्प्लेक्स का आउटर स्ट्रक्चर प्राचीन हिंदू और जैन मंदिरों के आर्किटेक्चर जैसा है, जो के ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ मंदिर थे जिसे तोड़ा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इसे लेकर पूरे सबूत भी मौजूद हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। साकेत कोर्ट में याचिका पहले जैन तीर्थकर ऋषभ देव और भगवान विष्णु के नाम से दाखिल की गई थी। इस मामले में भारत सरकार और भारत पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को प्रतिवादी बनाया गया है। इतिहासकारों का जवाब। इस मामले में जहां कुछ इतिहासकारों ने इसे इतिहास की कम समझ बताया है, तो कुछ ने कहा कि इससे सांप्रदायिकता बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में इतिहासकार और प्रोफेसर हरबंस मुखिया ने कहा कि इतिहास पब्लिक ओपिनियन का विषय नहीं है। साथ ही कहा कि आप 12वीं सदी के एक तथ्य को उसके संदर्भ से अलग नहीं कर सकते और फिर उसे 21वीं सदी में पेश कर पीड़ित होने का दावा कर सकते हैं। वही एक दूसरी इतिहासकार और प्रोफेसर सर कैथरीन बी अशर भी इससे सहमत है। उन्होंने कहा है कि कल्पना की गई साइट का इतिहास महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन असल में इसे हिंदू या जैन मंदिर में बदलना इतिहास को नष्ट करने का विषय होगा। दिल्ली के इतिहासकार डॉक्टर स्वप्ना लिटल, जिन्होंने 19वीं सदी के सैर उल मंजिल का अंग्रेजी अनुवाद संपादित किया है, उन्होंने कहा है कि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मंदिर युद्ध में नष्ट नहीं हुए। मेहरौली या मीरावली। 24 दिसंबर को तकरीबन 1.5 घंटे चली सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से ये भी पूछा गया कि क्या देवी देवताओं की तरफ से ये याचिका लगाई जा सकती है, इसको लेकर कानून क्या कहता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अब इस मामले में 5 मार्च तक सभी जानकारियां उपलब्ध कराने को कहा है। 6 मार्च को कोर्ट इस मामले में दोबारा सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि साकेत कोर्ट में ये याचिका पहले जैन तीर्थकर ऋषभ देव और भगवान विष्णु के नाम से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने इतिहास में दर्ज जानकारी के आधार पर बताया है कि आज जिसे हम मेहरौली के नाम से जानते हैं वो दरअसल मीरावली थी, जिसको 4वीं सदी के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक वराहमिहिर ने बसाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी क्रू।